नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में जो EPS 95 के जो पेंशनर्स है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति दिल्ली टीम के कार्य अध्यक्ष और उनकी टीम ने जो है वो 25 दिसंबर 2018 के दिन शाम को 6:30 बजे माननीय डॉक्टर उदित राज सांसद दिल्ली को यह उनका डिमांड से लेकर पत्र सौंपा है। तो इसी के बारे में आप जो है वो अभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल न्यूज है इसको जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो इसी तरह से आपको टाइम पे देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो EPS 95 के जो पेंशनर्स है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति दिल्ली टीम के कार्य अध्यक्ष विजय बड़गुदर, पदम सिंह जी, हरिश्चंद्र जी, पारस राम जी, मनोहर लाल जी, हरीर सिंह जी, मनोहर लाल कौशिक जी के साथ रॉयल पेपर बैंकवेट में शाम को 6:30 बजे माननीय डॉक्टर उदित राज जी, जो कि सांसद है दिल्ली के, तो यहाँ पर इन्होंने जो अपना डिमांड पत्र है और इनको सौंपा है, और साथ में इनसे निवेदन भी किया है कि आप जो EPS 95 की जो मांगे हैं तो उसे भी आप पार्लियामेंट में उठाए, ताकि ये जो EPS 95 की जो मांगे हैं तो वहां पर भी इसके बारे में पता चल सके। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, EPS 95 के जो पेंशनर्स है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज जो है वो सरकार तक जाए, उनकी डिमांड जो है वो सरकार तक पहुंचे, जो कि पूरी होने के लिए जो EPS 95 के जो पेंशनर्स है तो उनके द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हर जगह पे जो है वो सांसद जी को ये जो EPS 95 के जो पेंशनर्स है वो अपनी डिमांड से भरा पत्र जो है वो दे रहे हैं ताकि वो आगे सरकार तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो EPS 95 के जो पेंशनर्स है तो उन्होंने एक जो दिल्ली टीम है तो उन्होंने भी अपना पत्र जो है वो दिल्ली के सांसद डॉक्टर उदित राज जी को सौंपा है। तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो इस तरह से आपको टाइम पे देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।